राजा के गुणों के बारे में बताता है। वहीं बैठे कैलिस्थनीज उनकी बातों से प्रभावित हो जाता है। दूसरी तरफ जहां धनानंद मृगनैनी के लिए परेशान बैठा है, जब उन्हें पता चलता है कि एक योद्धा ने मृगनैनी को ग्रीक सैनिकों से बचाया है, तो वो इस योद्धा से मिलने चले आते हैं। चंद्रगुप्त धनानंद को सामने देखकर हैरान हो जाता है और वो धनानंद को मारने का फैसला करता है। मगर तभी अमात राक्षस वहां पहुंच जाता है और वो धनानंद को यह खबर देता है कि चाणक्य सिकंदर पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। वहीं खड़ा चंद्रगुप्त धनानंद को मारने का फैसला बदल देता है। धनानंद, जो कि चंद्रगुप्त से प्रभावित हो चुका है, उसे अपना रथ दे देता है। चाणक्य, जो कि महाराज पुरु के साथ अपने अगले कदम की तैयारी कर रहा है, वो महाराज पुरु से मदद में धन और संक्रमित चूहे मांगते हैं ताकि सिकंदर के सैनिकों में महामारी फैलाकर उनका मनोबल तोड़ सके। मेरे लिए क्या आज्ञा है आचार्य? पहले स्तर के प्रयास हो चुके हैं और दूसरे स्तर के प्रयासों का समय आ गया है। किसी भी सेना की महत्वपूर्ण कड़ी होती है भोजन और पानी। किसी भी सेना के इस पक्ष पर वार हो तो बड़ी से बड़ी सेना चरमरा जाती है। हम इस सैनिक छावनी की भोजन व्यवस्था में विष खोलेंगे। लेकिन हम ऐसा कैसे कर सकते हैं आचार्य? छावनी में इन यवनों के साथ साथ हमारे भारतीय सैनिक भी तो हैं। हैं, किंतु तुम्हें उन्हें इस बात के लिए मनाना होगा कि वे भोजन ना करें। आचार्य, आप सदैव मेरे सामने ऐसे असंभव लक्ष्य क्यों रख देते हैं? भूखे मरने के लिए मैं उन्हें कैसे मनाऊं? जब से मौर्य ने यवनों का राज चिन्ह जलाया है, तब से यवन मौर्य की कहानी सुनाने वाले उस सकाला के एकमात्र सैनिक को ढूंढ रहे होंगे। तुम पकड़े जाओगे चंद्रगुप्त, तुमसे मौर्य के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी समय अवसर देखकर तुम भारतीय सैनिकों को उनका क्षात्र धर्म याद दिलाओगे। तुम उन्हें बताओगे कि यवनों की दास्ता करते करते वे अपना क्षत्रिय धर्म भूल गए हैं, इसलिए प्रायश्चित स्वरूप विजयदशमी के लिए वे 3 दिन का व्रत रखेंगे। कोई भी क्षत्रिय अपने मुंह में अन्न का दाना नहीं डालेगा। किंतु यदि वे ना माने तो? उन्हें कैसे बनाना है यह तुम्हारा उत्तरदायित्व है। और उनके भोजन में विष कैसे घोलूंगा मैं? कुछ दिनों पहले पासी के एक सीमांत राज्य में एक महामारी फैली थी। इस महामारी का कोई उपचार नहीं, कोई औषधि नहीं। सामान्यतः चूहों से इस बीमारी का संक्रमण होता है। यह संक्रमित चूहा उसी राज्य का है। इसे ले जाकर यवनों के भोजन भंडार में छोड़ देना। शेष कार्य यह चूहा कर देगा। और जब यवन इस महामारी का शिकार होने लगे तो इस अवसर का सदुपयोग करना। यह बात फैला देना इस धरती के देवता अप्रसन्न हैं उनसे। वे बार बार संकेत दे रहे हैं, कोपित हैं। वे जीवित नहीं छोड़ेंगे यवनों को। और साथ ही 3 दिन से उपवास कर रहे भारतीय सैनिक बचे रहेंगे इस महामारी से। उनसे कहना, देखो, विजयदशमी पर प्रायश्चित किया तो देवी ने संकट में उनकी रक्षा की। अब तो जागो नींद से, शीघ्र जाओ चंद्रगुप्त, यवन तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं। रुको,
इस रथ को मेरे लिए छोड़ जाओ। यवन राज के चिन्ह के दहन के प्रकरण का प्रक्षेप करते समय मैं इसका उपयोग विशिष्ट ढंग से करूंगा। तुम अपनी भूमिका निभाओ चंद्रगुप्त, बाकी मुझ पर छोड़ दो। क्या? हाँ, धनानंद हमारी मृग नैनी से विवाह करना चाहता है। ये तो धनानंद हमारी विषम परिस्थितियों, हमारी विवशता का अनुचित लाभ उठा रहा है महाराज, क्योंकि मेरे पति और पुत्र युद्ध क्षेत्र में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए और हमारे परिवार से बोलने वाला कोई नहीं रहा। ऐसे में जो उसका मन करेगा वही करेगा। नहीं महाराज, नहीं। धनानंद ने हमारे लिए कोई विकल्प नहीं छोड़ा। नियति ने हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां जहां एक तरफ सिकंदर अपनी सेना लेकर खड़ा है, व्यास नदी के उस पार कभी भी आक्रमण कर सकता है। अगर ऐसे में हमने मगध का सुरक्षा प्रस्ताव नहीं माना तो सिकंदर की सेना का सबसे पहला शिकार हमारी जनता होगी। भीषण विनाश करेंगे वो लोग, भीषण विनाश। महाराज आप सही कह रहे हैं कि तू मैं एक माँ हूं, मृग नैनी की माँ। मैं जान पूछ कर अपनी बेटी की बलि कैसे दे सकती हूँ? महाराज सब जानते हैं कि कितना विवस्त है मथनानंद। अहिंसा से कोसों दूर और फिर उसके अदापुर की क्रियाकलापों से सारा आर्यव्रत भली भांति परिचित है और वो हमारी बेटी से कितना बुरा है। कैसे महाराज, कैसे अपने हाथों से अपनी बेटी को आग में झोंक दो, कैसे? यदि हमारे बलिदान से हमारे राज्य की प्रजा को सुरक्षा मिलती है तो हम इस बलिदान के लिए तत्पर हैं महाराज। एक राजकुमारी होने के नाते हमारे राज्य के हित में हमारा भी तो कुछ उत्तरदायित्व है महाराज। यदि हमारे बलिदान से सहस्त्रों करवासा वासियों के प्राण बचते हैं, नरसंहार टलता है, तो हो जाने दीजिए जो हो रहा है हमारे साथ। हमारे पिताश्री ने भी तो प्रजा के हित के लिए युद्ध भूमि पर अपने प्राण गंवाए हैं। हमारे भाई ने भी तो अपने प्राणों की आहुति दी है, लेकिन बस अब और नहीं, बहुत हो गया यह रक्तपात। जानते हैं इतिहास में हमारा नाम कहीं नहीं आएगा, किंतु हमारा यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। Thank you.
सच कहें मृगनेनी, यदि दो दिवस पहले हमने तुम्हारे नैनों से ये अश्रु टपकते हुए देख लिए होते तो हम लहू की नदियां बहा देते, किंतु अब हमारा हृदय हमसे ऐसी बातें नहीं करेगा। पूछो ना क्यों। क्यों? क्योंकि परिवर्तन हो गया है, हृदय परिवर्तन हो गया है मेरी नैनी। तुम्हारी बातों से केवल दो ही दिनों में ऐसा बदला कि अब तुम्हारे अश्रु देखकर हमारा हृदय भी रोने को हो रहा है मृगनेनी। हम तुमसे प्रेम करते हैं, सच्चे मन से प्रेम करते हैं मृगनेनी। पता नहीं जैसे जादू सा हो गया हो कोई, तिरकिट था तुम्हारी बातें, वो विचार, वो प्रेम वाले ऐसा ऐसा गहरा असर कर गए हैं हमारे हृदय पर कि हम अपने हिंसा से भरे जीवन में फिर से जा ही नहीं सकते। अब प्रेम भरे विचारों के साथ जीना है। तुम्हारे साथ जीना है मृगनेनी। हमारी नई दुनिया का आधार हो तुम। हमारे हिंसा भरे जीवन से तुम ही हमें मुक्ति दिला सकती हो। हम वचन देते हैं मृगनेनी, जब तक तुम्हारे प्रेम का साया हम पर बना रहेगा, हम किसी जीव को सताने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। मार काट युद्धों से दूर हम एक शांति प्रिय जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, जहां प्रेम, केवल प्रेम ही प्रेम हो। बस तुम हमारी हो जाओ मृगनेनी, हमें अपना लो। हम तुमसे सच्चा प्रेम करते हैं, हमें मत ठुकराना मृगनेनी, हमें मत ठुकराना।
मुझे छोड़ दो, जाने दो। खिलाते रहो ऐसे लीत वाला खाना जब तक ये मर ना जाए। खिलाओ। ये क्या कर रहे हैं आप? ये मर जाएगा। मरता है तो मर जाने दो इसे। कहाँ है वो सकाला लड़का? हमने छावनी का चप्पा चप्पा छान मारा लेकिन चंद्रगुप्त नहीं मिला। अब पता नहीं उसे आसमान खा गया या धरती निकल गई। हम कहां से लाए उसे? इसका अर्थ है कि हमारा राज्य जलाने में भी उसी का हाथ था। यदि तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी बात माने, तुम्हें निर्दोष माने, तो फिर जाओ उस चंद्रगुप्त के विरुद्ध साक्ष्य जुटा के लाओ। सुना है तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो? देखना यवन कैसे हमारी माँ तुम्हारा नाश करती है। मार, मार। इस प्रोग्राम मत कहो उसे महान योद्धा। हमारे मुकाबले का योद्धा नहीं हो सकता। होता तो आता हमारे सामने, महान हम हैं। मैसेडोनिया से लेकर यहां तक हर देश हर योद्धा को हराते हुए यहां तक हम आए। यहां का योद्धा हमारे नाम से ही कांप जाएगा। सम्राट, किंतु मैं आपके भयभीत होने की बात तो स्वप्न में भी नहीं सोच सकता हूं। मैं तो मात्र इतना निवेदन कर रहा हूं, इस मौर्य की प्रशस्ति जंगल की आग की तरह फैल रही है। ये सच नहीं है कैलिस्टेनस। उस तुच्छ हत्यारे की परवाह ग्रीक छावनी में किसी को भी नहीं है। हो सकता है तुम जो कह रहे हो सच वही है, किंतु जो मरे हैं वो हमारे ही ग्रीक भाई थे और वो किसी युद्ध के मैदान में नहीं मारे गए। आज हमारे कुछ भाई मरे, कल को हमारी सेना के भारतीय सैनिकों को उकसाकर सबको भी मार सकता है। याद रखो सेलुकस, जो व्यक्ति राष्ट्र के गौरव के लिए हत्याएं करता है उसे तुच्छ समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। वो ऐसी जितनी हत्याएं करता जाएगा राष्ट्र की दृष्टि में उसकी महानता उतनी ही बढ़ती जाएगी और देखते ही देखते वो एक आदर्श बन जाएगा। और वैसे भी हमारी सेना के भारतीय सैनिकों को हम दूसरे स्तर का नागरिक मान रहे हैं। मुझे बस एक ही बात का डर है मेरे सम्राट, कहीं यह दैवी संकेत हमारा स्थानीय सैनिकों के प्रति रवैया और मौर्य की प्रसिद्धि, यदि ये तीनों बातें जुड़ गई हमारी सेना के भारतीय सैनिक इस मौर्य को न्याय दिलाने वाला राष्ट्रीय नायक न समझने लगे। इतिहास गवाह है मेरे सम्राट कि जब जब देश में न्याय के लिए अपने हितों के लिए संघर्ष हुआ है वो राष्ट्र एकजुट हो गया है, वो राष्ट्र उठ खड़ा हुआ है। मेरे कहने का मात्र मतलब केवल यह है कि हम उन्हें ऐसा मौका ही क्यों दें? कैलिस्टेनस, दूसरों की छोड़ो, हमें लगता है कि तुम ही आगे बढ़ने की इच्छा मर चुकी है। अब हमारा आगे बढ़ना और भी आवश्यक हो गया है क्योंकि मगध के सामने हमें अपना गौरव फिर से साबित करना होगा। और एक बात अच्छी तरह याद रखो कैलिस्टेनस,
मात्र अच्छे और भले रहने से हमें देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा। अगर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें हिम्मत दिखानी होगी, आगे बढ़ने की हिम्मत, जीतने की हिम्मत। मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूं सम्राट। मुझे भी लगता है कि ये जो देवी संकेत के नाम पे चल रहा है ये देवताओं का श्राप नहीं है बल्कि किसी का षड्यंत्र है। कोई तो है जो हमसे चालाकी कर रहा है। हाँ अभी मेरे पास सबूत नहीं है पर वक्त आने पर मैं अपनी बात साबित करके रहूंगा। एलेक्स, सम्राट होने के साथ साथ तुम मेरे मित्र भी, और उस मित्रता के नाते क्या मुझे तुम्हारे सामने अपनी बात रखने का अधिकार है या नहीं? एलेक्स, हम सब ईश्वर में विश्वास रखते हैं और ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर ही राजा को सारी सांसारिक शक्तियां प्रदान करता है, और ऐसे में राजा के अच्छे और बुरे का निर्णय स्वयं ईश्वर ही करता है। राजा न्यायपालक है या न्याय करने वाला, इस बात का निर्णय जनता या सामान्य जन नहीं ले सकते, तो निर्णय ईश्वर को लेना पड़ता है, क्योंकि राजा के अनुसार उसका कोई भी निर्णय अनुचित हो ही नहीं सकता। कोई भी राजा देवताओं को अप्रसन्न करके सफलतापूर्वक शासन चलाने का सपना नहीं दे सकता। इसलिए यदि आपको दैवी संकेत दिख रहे हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि इस धरती के देवता आपसे कुछ कह रहे हैं। मुझे लगता है यदि इस संबंध में शीघ्र ही कोई उपाय ना किया गया तो परिणाम घातक हो सकते हैं। सम्राट, कह दीजिए कैलिस्थेनिस से, अलेक्जेंडर सिर्फ एक राजा नहीं देवताओं का पुत्र भी है, और उसकी नियति इन दार्शनिक मुहारों से निर्धारित नहीं होगी। यदि देवताओं का इतना ही आशीर्वाद है एलेक्स पर, तो एक बार जरा सोचो सेल्यूकस, जब से हमने इस धरती पर पांव रखा है हर एक बात क्यों हमारे विरुद्ध जा रही है? एलेक्स तुम फिक्र मत करो, मैं इस गुत्थी को सुलझाऊंगा भी, और इस मौर्य के मुझे इन अपशगुनों से डर नहीं लगता सर, पर मुझे इन भेड़ों की सेना से अवश्य डर लगता है। इनका सेनापति शेर हो। समस्या क्या है?
अब और बनने की चेष्टा मत कर सकाली। हम जान चुके हैं कि यमनों के राजचिन्ह को जलाने में तेरा ही हाथ था। ये देख, देख तेरे कारण उग्रदत्त की क्या स्थिति है। जो उग्रदत्त के साथ हुआ वो हम में से किसी के साथ भी हो सकता है, इसलिए आज मैं इसे यहीं खत्म कर दूंगा। किंतु मैं तो स्वयं उस मौर्य के प्रकोप से अपनी जान बचा के भागकर यहां आ रहा हूं। मैं भले इनका राज्य चिन्ह क्यों जलाऊंगा। अच्छा, तो अब तक तुम कहां थे? नदी पर देवी की पूजा कर रहा था। क्या हुआ? लगता है इन यवनों की चाकरी करते करते हम सब अपना क्षात्र धर्म भी भूल चुके हैं। अरे आज अष्टमी है, अष्टमी, अष्टमी, नवमी और विजयदशमी, ये तीन दिन कम से कम हम क्षत्रियों को नदी में नहा के देवी की शक्ति की पूजा करनी चाहिए, चाहिए कि नहीं? मेरी बात मानो तो आज से तीन दिन तक तुम सबको व्रत रखना चाहिए। क्षत्रिय हैं हम, और आज से तीन दिन हमारे लिए शक्ति पूजा के दिन होते हैं। कैसे भूल सकते हैं हम इन्हें, कैसे भूल सकते हैं हम इन्हें? ये यवन जो करना चाहे कर लें, लेकिन हम शक्ति पूजा करना कैसे छोड़ दें? यवन, मार यवन, मार यवन, मार यवन, मार यवन, मार यवन, हमारी देवी भी सब देख रही है, सब देख रही है, सब देख रही है। वो 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 माँ चामुंडा, चामुंडा, चामुंडा किसी को नहीं छोड़ेगी, नहीं छोड़ेगी, नहीं छोड़ेगी, भक्तों की रक्षा करेगी, करेगी, शत्रुओं का नाश करेगी, करेगी, करेगी। देखना तो, देखना तो, देखना तो, देखना, देखना यवन, यवन कैसे हमारी माँ तुम्हारा नाश करती है। मार, 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 मार। ओम ऐं ह्रीं श्रीं चामुंडाय विच्चये, ओम ऐं ह्रीं श्रीं चामुंडाय विच्चये, ओम ऐं ह्रीं श्रीं चामुंडाय विच्चये, ओम ऐं ह्रीं श्रीं चामुंडाय विच्चये। जय चामुंडा, जय चामुंडा, चामुंडाय विच्चये, ॐ ऐं ह्रीं श्रीं 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 चामुंडाय विच्चये। बहुत हो गया,
बहुत हो गया, हमारा विनाश करेगी तेरी माँ। देख अब मैं तेरा विनाश कैसे करता हूं। ये मगध का राज चिन्ह है, ये मौर्य का काम है। इस रथ को मेरे लिए छोड़ जाओ। यवन राज के चिन्ह के दहन के प्रकरण का पटाक्षेप करते समय मैं इसका उपयोग विशिष्ट ढंग से करूंगा। ये मौर्य ने ही किया है। ये मौर्य का ही काम है। आहा, ये मौर्य ने ही किया है। हाँ, उस बेचारे साकाली का इसमें कोई लेना देना नहीं। वो बेचारा तो देवी की पूजा कर रहा था। ये तो जरूर उस मौर्य का ही काम है। और ये यवन तो वैसे भी कोई ना कोई बहाना ढूंढ के हमको सताते रहते हैं, क्योंकि ये हमसे घृणा करते हैं। घृणा। ये सब सोची समझी चाल है उस सकाली लड़के की। चलो पकड़ो उसे। करें आचार्य, किंतु आपको नहीं लगता कि हम चंद्ररूप के जीवन को अधिक संकट में डाल रहे हैं? विजयश्री बिना मूल्य चुकाए नहीं मिलती। ये सब सोची समझी चाल है उस सकाली लड़के की। चलो पकड़ो उसे। ये मानव प्रवृत्ति है, स्वाभाविक मानव प्रवृत्ति। जब भी वो किसी संकट में होता है तो विजय के लिए पूरे प्राणपण से अपने हाथ पांव मारता है। उसे कठिन से कठिन परिस्थिति में डाल दो, वो कुछ ना कुछ करके अपना अस्तित्व बचा ही लेगा। मैंने क्या किया श्रीमान? अच्छा, थोड़ी देर पहले तो बहुत बोल रहा था तू, अब क्या हुआ? कहां गई तेरी मां की शक्ति? इधर लाओ इसे। श्रीमान, ये तो सरासर अन्याय है। आप क्या कहना चाहते हैं कि मेरे जैसे एक साधारण सैनिक ने आपके यवन सैनिकों को मार डाला, और फिर कहीं से मगध का रथ हथिया आया, उसमें उन्हें डाला और ऐसी सटीक व्यवस्था की कि वो रथ ठीक उसी समय आए जब आप मुझ पर दोष लगाएं? यही कहना चाहते हैं आप, या ये कि इसमें कई भारतीय सैनिकों का हाथ है? विजेता वही बनता है जो जान लेता है कि उसे कब लड़ना है और कब नहीं। देखिए, मैं तो सिर्फ अपने धर्म के अनुसार विजयदशमी से पूर्व अष्टमी की पूजा कर रहा था नदी किनारे। अष्टमी, नवमी और विजयदशमी, इन तीन दिनों की पूजा हम क्षत्रियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और अगर आपको लगता है कि अपने देवताओं की पूजा करना अनुचित है, तो मार डालिए आप मुझे। किंतु मेरे साथियों को, मेरे भाइयों को मत सताइए।
एक सच्चा नायक बल या छल से नहीं, उदाहरण प्रस्तुत करके अपने साथियों का नेतृत्व करता है। देख लिया इन यवनों को, देख लिया इनका रंग, मैं आप लोगों के बारे में तो निश्चय से कुछ कह नहीं पाऊंगा, जानता ही नहीं हूं कुछ, किंतु मैं एक सच्चा क्षत्रिय हूं और हर मूल्य पर मैं अपना धर्म निभाऊंगा। सत्य है कि पेट के लिए मैं भी इन लोगों के लिए काम करता हूं, इनके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ता भी हूं मैं। किंतु दास नहीं हूं मैं इनका, जो ये मेरे साथ दूसरे दर्जे के नागरिकों का व्यवहार करें। मेरे साथ जो होना हो जाए, किंतु मैं अपने स्वाभिमान के साथ कदापि समझौता नहीं करूंगा। और एक बात तो तय है कि आज से 3 दिनों तक मैं व्रत रखूंगा, अष्टमी से विजयदशमी तक अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करूंगा मैं, और अपने सभी सच्चे क्षत्रियों से 3 दिनों का व्रत रखने का सविनय निवेदन करता हूं। मानना या ना मानना आपकी इच्छा। चंद्रगुप्त तो कर ही लेगा अपना कार्य सफलतापूर्वक, हमें भी अपना कार्य अगले स्तर पर ले जाना चाहिए। महाराजपुर ने आर्थिक सहायता का आश्वासन दे दिया है। चंद्रगुप्त जो यवन सेना के भीतर सैन्य विद्रोह करने वाला है, तो बाहर से उसका समर्थन करने के लिए हमें भी एक सशक्त सेना गठित करनी होगी। किंतु आचार्य, आचार्य इतने कम समय में सशक्त सेना हम लाएंगे कहां से? यवन सेना में भारतीय सैनिकों को मौर्य की कहानियां प्रेरित करेंगे और उन कहानियों और काल्पनिक वीर गाथाओं को हवा देने के लिए वहां चंद्रगुप्त है और हम यहां बाहर कंबोज, सकाला, हशिल से भागे हुए छिपे हुए बंदी सैनिकों को एकत्रित करेंगे, क्योंकि उन्हें अपनी ग्लानी से लड़ना है, उन्हें फिर से अपना सर उठाकर जीना है। उनके हृदय में सिकंदर के प्रति आक्रोश भरा है। ये वो सैनिक हैं जो है तो युद्ध, किंतु अपने राजाओं के पराजित होने और अपने परिवार के मिटने के पश्चात भी जिन्होंने जीने के लिए सिकंदर की सेना को नहीं चुना। हम इन्हें इकट्ठा कर बनाएंगे एक सेना जो लड़ेगी सिकंदर के विरुद्ध, सेनापति सेहरन के नेतृत्व में गढ़ेंगे हम इस सेना को। मैं जानता हूं कि सिकंदर की सेना के समक्ष हमारी सेना का कोई अस्तित्व नहीं होगा, किंतु उसमें इतनी धार तो अवश्य होगी कि सिकंदर को वापस लौटने के लिए सोचना पड़ेगा।